कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वानी। अगर आप बिहार से हैं तो ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि वाकई में बिहार में आपको हर चार कोस पर विविधता देखने को मिल जाती है। ऐसे में आज हम अपने बिहारी विहार के इस सेगमेंट में आपको ले चलेंगे राजधानी पटना से 150 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी जिले में स्थित बगही धाम। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बगही धाम के आसपास ना तो आपको राजगीर जैसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ों वाली वादियाँ, ना ही विटियार जैसे जंगल, ना ही रोहतास जैसे मनोरम दृश्य वाले झरने, और ना ही राजधानी पटना स्थित ऊंची ऊंची और ऐतिहासिक इमारत देखने को मिलेगी। लेकिन इस धाम की एक ऐसी खास बात जो आपके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। यही नहीं, बगही धाम ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है। इससे आप समझ सकते हो कि यह धाम भले ही पर्यटकीय स्थल के तौर पर उतना विकसित नहीं हुआ हो, लेकिन असल मायने में कितना महत्वपूर्ण है। अब बिना देर किए मैं आपको तकरीबन 70 साल पीछे लेकर चलती हूँ, जहाँ से यह कहानी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जितनी आस्था तपस्वी बाबा नारायण दास की प्रति जन जन में है, उतनी ही आस्था बगही धाम स्थित बाबा धनेश्वर नाथ महादेव के हर कण कण में है। बात साल 1951 की है, जब बाबा नारायण दास दीक्षा लेकर सीतामढ़ी जिले के बगही गाँव वापस आए। बाबा नारायण दास का जन्म बगही गाँव में एक साधारण परिवार में 17 फरवरी 1917 को हुआ था। दीक्षा लेकर वापस आने के बाद साल 1954 से बाबा नारायण दास ने राम नाम का प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन उस समय ये बात किसी को नहीं पता था कि बगही धाम में उच्चारण होने वाला राम नाम एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा। किसी भी आम इंसान को हैरान कर देने वाली बात यह है कि साल 1960 यानी कि उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि पूरे 62 सालों से यहां राम नाम का जाप 2400 घंटे 365 दिन यानी एक दिन और एक मिनट भी ऐसा खाली नहीं जाता कि यहां राम नाम का कीर्तन ना होता हो। और यही खास बात इस मंदिर को और सभी शिव मंदिर से अलग और महत्वपूर्ण बनाता है। बिहारियों को और भी गौरवान्वित कर देने वाली बात यह है कि इसके लिए बगही मठ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सीतामढ़ी से 12 किलोमीटर दूर बगही गांव में स्थापित शिवलिंग की महिमा भी कम नहीं। कहते हैं कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही धन की वर्षा होने लगती है। यही वजह है कि इनका नाम धनेश्वर नाथ महादेव है। कहा जाता है कि 225 साल पहले रंजीतपुर गांव के भुल्लर शाह रौनियार ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कुछ ही वर्ष पहले इस मंदिर के निर्माण में गति दी गई, जिसके बाद 108 फीट ऊंचे इस मंदिर पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए। यह उत्तर बिहार का पहला शिव पंचायतन मंदिर है। देश के बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी बनावट ऐसी है कि चार कोनों पर छोटा छोटा मंदिर और बीच में बड़ा सा मंदिर स्थापित है, जहां सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर के चार कोनों पर लक्ष्मी नारायण, सूर्यदेव, गणपति, माँ दुर्गा और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मंदिर का नक्शा खुद बाबा नारायण दास ने ही बनाए थे। यही नहीं, यहां 7 दिसंबर 1960 को बाबा ने बगही धाम में 108 झोपड़ी का मंडप बनाकर विष्णु यज्ञ व महारुद्र यज्ञ किया था। उस दौरान अकस्मात पूरी संरचना जल गई। एक साल बाद बाबा ने जन सहयोग से उसी स्थान पर 108 कमरों का 4 मंजिला भवन बनवाया। यह एक गोल भवन की तरह है जिसमें 4 द्वार है और यहाँ राम नाम का जाप किया जाता है। वहीं अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, यही नहीं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ यह भी व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ भोजन की भी व्यवस्था होती है। मंदिर में उपस्थित पुजारी कहते हैं कि सीतामढ़ी के साथ साथ आसपास के जिले जैसे मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी और कुछ नेपाल के भक्तों द्वारा यहाँ दान दिए जाते हैं। यहाँ मौजूद बाबा कहते हैं कि कुछ स्थानीय लोग दिन के समय में अखंड कीर्तन में साथ देते हैं, बाकी के समय में मठ में मौजूद संत लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्ड कायम रखा है। बाबा कहते हैं कि राम नाम के जप को जारी रखने के लिए यहाँ 2-2 घंटे की मठ में मौजूद संतों की शिफ्ट होती है और हर 2-2 घंटे पर संतों की शिफ्ट बदलती है। बगही धाम रंजीतपुर पंचायत में स्थित है। यहाँ जो लोग भी आते हैं उनके लिए भोजन भंडारा 2400 घंटे उपलब्ध रहता है। कुछ हो ना हो, मिथिला का प्रसिद्ध दही चूड़ा आपको वहाँ हर वक्त मिल जाएगा।
इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय की मनाही नहीं है। सर्वधर्म और सर्वभाव से सबकी सेवा होती है और वे अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ही खास दर्शनीय स्थल की तलाश में हैं तो यहाँ जरूर जाएं, जिसने पिछले कई वर्षों से कीर्तिमान स्थापित किया है और आगे भी करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।